टॉपिक का नाम है पैरेलल सर्किट या रिजेक्टर सर्किट। हमने एलसीआर सीरीज में किया था। एलसीआर सीरीज के अंदर हमने क्या किया था, हमने एलसीआर सीरीज में रिजल्ट ये किया था कि अगर एलसीआर सीरीज में है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रेजोनेंस पे, अगर रेजोनेंस कर दें इसकी तो रेजोनेंस पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। इंपेडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम। ऐसे ही था, इंपेडेंस मिनिमम, ऐसे किया था हमने। करंट मैक्सिमम होता है, इंपेडेंस मिनिमम होती है। और इसमें ग्राफ करंट का ओमेगा के साथ कैसे बनता है, ये ओमेगा आर है, ऐसे बनता है, याद है, मैक्सिमम हो जाती है। इस पर किया था हमने ये सीरीज, शार्पनेस ऑफ सर्किट, ये सब यही किया। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन करवाया था एलसीआर पैरेलल के अंदर, मैंने इसको उसमें करवाया था एनसीईआरटी की एक जो मेरी थ्योरी बुकलेट है उसके अंदर एक छोटा रिजल्ट करवाया था। अगर यही चीज पैरेलल में कर रहा हूँ, ये भी कहा था एनसीईआरटी में इसकी थ्योरी आती नहीं, इसका रिजल्ट याद करेंगे। अगर ये पैरेलल में है और मान लो पैरेलल में रेजोनेंस हो जाती है तो कोई बता सकता है मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस पे इंपेडेंस क्या हो जाती है, इंपेडेंस क्या हो जाती है इसमें, इसमें अगर मिनिमम होती है तो इसमें क्या होती है, मैक्स, उल्टा हो जाता है। और करंट इसमें क्या हो जाता था, जीरो। आप अपनी थ्योरी एनसीईआरटी की बुकलेट भी चेक कर सकते हो। सीरीज रेजोनेंस सर्किट का अगला टॉपिक था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर यही करवाया था और मैंने कहा था कि ग्राफ मार्क कर लो, ग्राफ ऐसा मार्क करवाया था, अभी भी चेक कर सकते हो, ये रिजल्ट था, देख लेना, ऐसे रिजल्ट है, चेक कर सकते हो अपनी बुकलेट, ये बना हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो ये करवाया था। तो रेजोनेंस के ऊपर पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, जीरो। सीरीज के अंदर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ये किया था हमने। तो इसीलिए जब मैक्सिमम होता है रेजोनेंस पे, तो आपको याद होगा कि इसके पेज नंबर क्या है बुकलेट का, ये वाला 110। तो एनसीईआरटी की बुकलेट का 110 पेज पे टॉपिक किया हुआ है वो। तो ये बताया था कि रेजोनेंस के ऊपर ये एक पर्टिकुलर सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी रिजेक्ट कर देता है। रेडियो ऑफ सिग्नल तो ऐसे थे, रेडियो ट्यून ऐसे तो होता था, इसलिए इसका नाम क्या था, एक्सेप्टर सर्किट। याद है इसका नाम एक्सेप्टर सर्किट था। एलसीआर जब सीरीज में है तो एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं उसे रेजोनेंस के ऊपर। लेकिन इसके अंदर जब रेजोनेंस होती है तो करंट एकदम जीरो हो जाता है, तो ये सिग्नल को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसलिए रेजोनेंस पे पैरेलल को क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर रेजोनेंस पे कहलाया जाता है एक्सेप्टर सर्किट, और पैरेलल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि करंट को रिजेक्ट कर देता है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो उसका प्रूफ बताने जा रहा हूं। प्रूफ तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में बहुत छोटे लेवल पे किया हुआ है हमने, प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन इसमें ये प्रूफ ऐसे है कि एल और सी पैरेलल में, इंडक्टर की रेजिस्टर भी ली गई है इसमें, तो एल और आर सीरीज में और ये सी इसके साथ पैरेलल में लगेगा। तो इसको पैरेलल सर्किट को हमने कंसिडर किया, एसी सप्लाई है, तो मुझे पता है करंट डिवाइड हो जाएगा इंडक्टर और कैपेसिटर में। फिर फेजर के रूल लगाए इसमें, जो करंट होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है। इंडक्टर में आरएल सर्किट है, कैपेसिटर में सिर्फ सी ओमेगा है, तो वोल्टेज होती, जो करंट होता है इसमें पीछे होता है तो माइनस जे लगा, सॉरी करंट जो होता है कैपेसिटर में आगे होता है तो माइनस जे लगा, और इसके अंदर ये इंपेडेंस है। तो अगर फेजर से सॉल्व करें, नहीं करना आपको, नहीं करना, आप चिंता ना करें, इसको क्रॉस करते हैं, नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सॉल्व करके किसी तरीके से मैं जेड निकाल लूं, तो 1/z का ये फॉर्मूला आएगा, पर आपको करना नहीं, डोंट वरी, आपको नहीं करना। तो 1/z आएगा, 1/z के रेसिप्रोकल को, 1/z के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। तो एलसीएम लिया, एडमिटेंस आई, एलसीएम लेके आपके पास वाई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके इक्वल आएगा, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है एंड में लिखवाऊंगा। तो ये आपके पास एडमिटेंस आ गई। एडमिटेंस की वैल्यू मिनिमम कब होगी, कम से कम कब होगी, जब ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो होगी, पूरी टर्म जीरो कर देते हैं तो ये काफी मिनिमम हो जाएगी। तो ये टर्म मिनिमम के लिए इसको जीरो करेंगे, और अगर इसे सॉल्व करें
तो ये आंसर आएगा ओमेगा का। और जब एडमिटेंस मिनिमम है तो इंपेडेंस क्या है? मैक्सिमम है। और इंपेडेंस मैक्सिमम है, इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर, क्योंकि सीरीज के अंदर इंपेडेंस मिनिमम होती है और पैरेलल में इंपेडेंस मैक्सिमम होती है। और ऐसा कब होता है? जब ओमेगा इसके इक्वल है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपने क्या करना है, सुन लें, आपने क्या याद करना है? पहली चीज आपने ये याद करनी है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस के ऊपर करंट क्या होता है? जीरो। पहला रिजल्ट क्लियर है जो हमने बनाया था अभी। इंपेडेंस क्या होती है? मैक्सिमम, जो भी लिखा था मैंने सारा, इंपेडेंस मैक्सिमम। एडमिटेंस क्या होती है? मिनिमम, क्योंकि एडमिटेंस इंपेडेंस का रेसिप्रोकल है, तो एडमिटेंस मिनिमम क्योंकि इंपेडेंस मैक्सिमम। क्लियर है यहां तक? अब लिखवाऊंगा आपको मैं पैरेलल रेजोनेंस का फॉर्मूला। अगर एलसीआर इकट्ठे हो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, और अगर रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ एल और सी हो, एल और सी में एलसी ऑसिलेशन भी की थी हमने, आर को हटा दो तो देखो वही फॉर्मूला दिख रहा है आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, 1/√LC। अगर आर लेना है तो ये फॉर्मूला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, अगर आर नहीं लेना तो ये फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक? तो आप हेडिंग डाल लें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या रिजेक्टर सर्किट, तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में बस यही नोट करें, आप कुछ ना करें, आप कंपैरिजन नोट करें, सीरीज में रेजोनेंस में ये होता है, पैरेलल में ये होता है, बस मेन चीज यही है। तो आप बस ये नोट करें पहले। तो थ्योरी तो कोई पूछेगा नहीं कहां से आया आपको, तो सिर्फ एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो एंड रिजल्ट का यही है जो मैंने स्टार्ट किया अपना लेक्चर, एंड रिजल्ट ही बताया मैंने, एक्चुअल में एंड रिजल्ट यही आएगा जो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। वैसे तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो किताब जब पढ़ेंगे, किताब के अंदर ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होगी, ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे उठाएं, कुछ लिखे हैं उसमें, थ्योरी आगे लिखी होती है ना, बड़ी डरावनी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, मैंने वहीं से लिया है। तो इसलिए लिया है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई मत पढ़ना, आप सीधा आप ये अपने फॉर्मूला का रजिस्टर नोट करें और सीधा ऑब्जेक्टिव करना, राइट? क्लियर है यहाँ तक? तो ये करना, और एक ये नोट कर लें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में इसके इक्वल होती है, ठीक, जब आर को कंसिडर किया जाता है। जब नहीं करना फिर तो पता ही है क्या करना है, अगर करना है तो ये वैल्यू आती है, ये नोट कर लें, सीधा ऑप्शन मार्क कर, सीधा ऑप्शन मार्क करने को आएगा तो सीधा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, तो इसमें ये लिखा हुआ है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर इंपेडेंस मैक्सिमम होती है, और रेजोनेंस के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी पे करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या है? रिजेक्टेड सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, बस और कुछ नहीं करना।